वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एग्जाम स्टडी। और फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टन के प्राइम प्लस एमपीपीटी सोलर पीसीयू की बात करने वाले हैं, जो कि 50 एम्पियर का है। तो फ्रेंड ये आपके नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर देगा, और इसको आप 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों टाइप के सोलर पैनल के साथ आप यूज़ कर सकते हो। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सोलर पैनल कनेक्ट होंगे और बैटरी कनेक्ट होगी, और यहाँ पे हम इन्वर्टर को आउटपुट देने के लिए आउटपुट लिखा हुआ है न्यूट्रल और लाइन। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, देखिए इसमें पीवी का मतलब है सोलर पैनल कनेक्ट करना है, यहाँ पे बैटरी लगाना है, और यहाँ पे हमें आउटपुट में न्यूट्रल और फेज लगाना है हमारे इन्वर्टर का। और फ्रेंड आगे मैं दिखा देता हूँ इसका, हम बहुत ही डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ। फ्रेंड जो हमारा स्मार्टन का प्राइम एमपीपीटी प्लस सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसके लिए फ्रेंड 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के लिए काम करता है, मतलब सिंगल बैटरी और डबल बैटरी दोनों के लिए दोनों सपोर्ट करता है। और इसमें आप लेड एसिड, एसएमएफ, ट्यूबलर और सोलर बैटरी यूज़ कर सकते हो, और 4 स्टेज की इसमें बैटरी चार्जिंग होगी। और इसमें एमपीपीटी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, और इसकी एफिशिएंसी 95% से ज़्यादा होगी, ठीक है फ्रेंड। और जो 12 वोल्ट सिस्टम है उसमें 700 से 900 वाट तक का पैनल सपोर्ट करेंगे ये, और 24 वोल्ट के सिस्टम में 1500 से 1800 वाट तक की ये सोलर पैनल सपोर्ट करेगा। और जो वीओसी है 12 वोल्ट सिस्टम के लिए, ये 50 वोल्ट वीओसी तक के आप सोलर पैनल 12 वोल्ट सिस्टम में लगा सकते हो। और पैनल वीओसी 24 वोल्ट सिस्टम के लिए इसकी वीओसी है 85 वोल्ट, तो 85 वोल्ट वीओसी वाले आप सोलर पैनल इस पर यूज़ कर सकते हो डबल बैटरी सिस्टम में, ठीक है फ्रेंड। तो इसका हम डिटेल में रिव्यू देख लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड जो हमारा रिव्यू है वो कस्टमर के रिव्यू पे बेस होता है, तो जो भी यूज़ करते हैं उनका रिव्यू हम पहले देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो फर्स्ट व्यूअर है इनका रिव्यू है कि वेरी गुड, देखो इनका रिव्यू हम देख लेते हैं। फ्रेंड इन्होंने खुद ने इंस्टॉल किया है, और इन्होंने 12 वोल्ट और 50 वोल्ट के लिए इसको यूज़ किया है। इनके पास 3 पैनल है, प्रत्येक पैनल 200 वाट का है, तो टोटल 600 वाट का इनके पास सिस्टम है, जो कि 30 एम्पियर देता है 17 वोल्टेज के अराउंड फुल लोड। और ये पर डे 2 यूनिट दे रहा है लगभग, इनका सिस्टम 15 दिन में 30 यूनिट दे चुका है। और इट्स तो फ्रेंड इनका जो इन्वर्टर है वो सोलर पे शिफ्ट हो जाता है सुबह 8 बजे और शाम के 6 बजे तक चलता है कंटिन्यू लोड, ठीक है फ्रेंड। और जो इनका वॉशिंग मशीन है, बटरफ्लाइज, सब कुछ इस पर चल जाता है। और ये फ्रिज को भी इन्वर्टर पर यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर ऑनलाइन वर्किंग क्लास होती है। 75 यूनिट इनके लगभग सेव कर चुके हैं 1 महीने में, और 2000 रुपये लगभग इनके कॉस्ट में उन्होंने सेव कर लिया है। तो फ्रेंड ये इनका रिव्यू था, जो नेक्स्ट व्यूअर इनका भी देख लेते हैं। बेस्ट एमपीपीटी सोलर मैनेजमेंट यूनिट, देखो इनका देख लेते हैं हम। और तो फ्रेंड जो मैक्सिमम एमपीपीटी टेक्नोलॉजी है वो अच्छे से काम कर रही है इनके लिए, और पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और ये एम्पियर बूस्ट करता है 30 से 40%, ठीक है फ्रेंड। और जो नेक्स्ट व्यूअर है इनके लिए भी अच्छे से काम कर रहा है। इंस्टॉल दिस विथ 1 kVA सोलर पैनल एंड माइक्रोटेक 2.3 kVA इन्वर्टर वर्किंग एज एस्पेक्ट, अच्छे से काम कर रहा है। गुड बट नॉट बेस्ट एमपीपीटी कंट्रोलर इज़ वैल्यू ऑफ मनी, तो इनके लिए अच्छे से, बट इट्स वीओसी इज लिमिटेड, कैन नॉट बी मोर यूज इन 440 वाट पैनल इन सीरीज। तो फ्रेंड इनकी ये कंप्लेन है कि जो इसकी वीओसी है वो कम है, ये 440 वाट के पैनल सीरीज में यूज नहीं कर सकते हैं। और जब भी 7:40 सुबह 7:40 पे जो सोलर पैनल पे सनलाइट इंसिडेंट होती है तब भी ये कट नहीं करता, 7:40 के बाद कट करता है और ग्रिड को डिसेबल कर देता है, ठीक है। बेस्ट एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, तो फ्रेंड इनके लिए अच्छे से काम कर रहा है। और ये ऑनलाइन शॉपिंग से भी बिल्कुल सेटिस्फाई है। और फ्रेंड जो नेक्स्ट व्यूअर इनका है कि ओवरऑल अच्छा प्रोडक्ट है, और इनके जो भी ड्रॉबैक है, इसके जो भी नुकसान है वो इन्होंने बताई है,
यूनिट सेव शो एंड डिस्प्ले नॉट शोविंग आफ्टर सोलर अनेबल। जो ये यूनिट दिखाता है जो हम सेव कर चुके हैं, ये सोलर अवेलेबल होती है तभी दिखाता है, जब सोलर डिसेबल होती है रात को तो नहीं दिखाएगा। ओनली शो टोटल सेविंग, टोटल सेविंग दिखाता है और डेली सेविंग नहीं दिखाता है। तो फ्रेंड जो प्रेजेंट डीवीडी डीओडी आप सेट करोगे इसके वहाँ तक अगर वोल्टेज जाएगा उसके बाद ये स्विच करेगा। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो फ्रेंड इनके लिए भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जो नेक्स्ट व्यूवर इनके लिए भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और जो नेक्स्ट व्यूवर इनके साथ सम इशू है इसमें। प्रोडक्ट इज गुड बिकॉज एलसीडी लाइट इज ऑलवेज ग्लो। इनकी जो एलसीडी लाइट है वो हमेशा ग्लो रहती है, इनकी प्रॉब्लम है। सुपर प्रोडक्ट, वेरी गुड प्रोडक्ट। और जो फ्रेंड नेक्स्ट व्यूवर हैं इनको डैमेज प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है और बहुत ही अच्छा है। जो नेक्स्ट व्यूवर इनका भी बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड प्रोडक्ट और ओके प्रोडक्ट, अच्छे से काम कर रहा है फ्रेंड इनके लिए भी। जो फ्रेंड ऑनलाइन मंगा रहे हैं कहीं का डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ रहा है वो थोड़ी प्रॉब्लम है, और जो नेक्स्ट व्यूवर है इनका की बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इन्होंने न्यू इंस्टॉल किया है 50 एम्पीयर 12 वोल्ट 24 एमपीपीटी चार्ज कंट्रोल इन्होंने इंस्टॉल कर रखा है, और ये इनके पास 8 साल पुराना सुकाम का इन्वर्टर है उसके साथ इसको यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने 395 वाट के दो सोलर पैनल ब्लू बर्ड कंपनी के इन्होंने पैनल में इंस्टॉल कर रखे हैं, और इनके पास 200 एच की बैटरी है, तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा रिव्यू था। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।